गाइस, तो चैनल वेलकम वेलकम टू आवर चैनल। हे चैनल, वेलकम टू माय गाइस। हे वेलकम चैनल टू माय गाइस। हे गाइस चैनल टू माय वेलकम। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी। तो फाइनली ये जो ब्लॉग होने वाला है वो एक चाय के दुकान पे होने वाला है। तो इस लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं, बहुत मेहनत लगा है यहाँ तक आने के लिए। गूगल पे जो लोकेशन दिखा रहा था बहुत गलत दिखा रहा था, तो मैं आपको पूरा लोकेशन दिखाऊंगा, अंदर का इंटीरियर पार्ट, बाहर का, और पूरा डिटेल में हम एक्सप्लोर करेंगे। ये मुजफ्फरपुर में ही है, तो मैं उसका नाम पहले बता देता हूँ, कैदी चाय वाला। तो चलते हैं चाय वाले के दुकान के पास। कैदी चाय वाले के अंदर आ चुके हैं, और जैसा कि अभी जानते हैं कि चाय का बिल्कुल ट्रेंड चल रहा है, मतलब जिधर देखो चाय 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 ही। तो अभी तक बहुत सारे नाम सुने थे, ग्रेजुएट चाय वाली, एमबीए चाय वाली, तो फाइनली एक ऐसा दुकान में आए हैं जो कैदी चाय वाला एकदम अपोजिट ही है। मतलब बहुत सारे दुकान खोलते हैं जो अच्छे अच्छे नाम पे खोलते हैं, तो आज हम भी एक कैदी की तरह चाय बन के पियेंगे। देखिए अभी हम जेल के अंदर है, यहाँ पे बहुत अच्छा चीज है कि अंदर छोटे छोटे जेल टाइप के बने हुए हैं, आप उसमें बैठकर चाय का आनंद ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे, मेरा चाय आ चुका है, और मैं आपको पहले अंदर से लोकेशन दिखाता हूँ कैसा लगता है अंदर से ये जेल। मैंने जो चाय मंगवाई है वो कॉफी फ्लेवर है, तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट है, मीठा एकदम कॉफी वाली फ्लेवर का टेस्ट बिल्कुल आ रहा है। और अभी मैं इसको पहले फिनिश करता हूँ, क्योंकि चाय मेरा पसंदीदा चीज है, तो चाय के सामने कुछ दिखता नहीं है। तो पहले इसको फिनिश करते हैं, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैंने चाय फिनिश कर ली है, और चाय वाकई में बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। और जैसा कि इस दुकान का नाम बिल्कुल अलग है, तो उसकी तरह चाय भी थोड़ा सा आपको टेस्ट अलग मिलेगा। तो आप आइए यहाँ पर और चाय टेस्ट कर देखिए। मैंने तो चाय टेस्ट कर लिया, बहुत सारे लोग चाय पी रहे हैं, कुछ कैदी बनकर पी रहे हैं, कुछ पुलिस बनकर पी रहे हैं। तो चलिए अब उनसे बात करते हैं और उनसे यहाँ का रिव्यू लेते हैं कि कैसा लगता है उनका चाय। अभी हमारे जस्ट सामने कुछ लोग चाय पी रहे थे, तो आइए पहले उनसे जानते हैं कि उनको कैसा लगा टेस्ट।
तो जैसा कि आप यहाँ चाय पी रहे, कहाँ से आए हैं? सहरसा से आए हैं। तो यहाँ चाय पीने के लिए आए हैं या फिर किसी और काम से आए? किसी और काम से। अच्छा, और भी काम से आए हैं। तो कौन सा चाय पिए हैं अभी आप? प्लेन चाय पिए। प्लेन चाय, कैसा टेस्ट लगा है आपको? चाय का टेस्ट तो वाकई में बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। पहली बार आए थे या इससे पहले कभी आए हुए? अच्छा, फर्स्ट बार आए हुए हैं आप। चाय पिए, बहुत अच्छा लगा। इससे पहले आए हुए हैं कि अभी? नहीं आया, फर्स्ट बार आए हैं। अच्छा, सादा चाय पिए हैं, सादा और जगह मिलता है उससे बेहतर चाय यहाँ। वो आ सकते हैं। अच्छा, चलिए, प्राइवेसी मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है, मिलता है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। तो आप दूसरे जेल में आए हैं, दूसरे जेल के इधर अंदर चलते हैं। यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं चाय पीने के लिए, तो इनसे बात करते हैं। आप लोग चाय पी लिए? कैसा टेस्ट था चाय का? बहुत अच्छा। कुछ कहना चाहते हैं जो आपको देख रहे हैं? कैदी के चक्कर में फंस चुके हैं। अच्छा, अच्छा, एक चीज बताइए, कैदी बन के चाय पिए हैं या पुलिस बन के चाय पिए हैं? कैदी बन के। अच्छा, मतलब कैदी बन के चाय पीने में ज्यादा मजा आता है क्या? चलिए, मतलब इन लोगों का कहना है कि कैदी बन के चाय पीने में ज्यादा मजा आता है। अब लास्ट जेल खाना है, थर्ड वाला, तो उसके अंदर चलते हैं। यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जो चाय के साथ साथ कैदी पुलिस का खेल खेल रहे हैं। यहाँ देखिए, कैदी बन के फोटो खिंचवा रहे हैं। तो चाय पी लिए? लिए। कैसा लगा चाय? अच्छा था। अच्छा था। तो कैदी बनने में ज्यादा मजा आ रहा है या फिर पुलिस बनने में? दोनों में मजा आता है। अच्छा, दोनों में मजा आता है। यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचवाने में कितना आनंद आ रहा है ये बताइए? कौन सा फ्लेवर चाय पिए हैं? फ्लेवर तो हम नहीं पता है, ऐसे पी लिए। अच्छा, अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी। कैसा टेस्ट, कैसा लगा? तो आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ। कैसा लगा था चाय? बढ़िया लगा। बढ़िया लगा था। आप? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो अंदर जो लोग चाय पी रहे थे उनसे बात करने के बाद अब यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे बात करते हैं, और वही पूरा लोकेशन और उनसे और भी कुछ सवाल पूछेंगे। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मिंटू कुमार हुआ। मिंटू कुमार। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे पहले तो हमारे माइंड में एक ही सवाल आ रहा है जब से आए हैं, ये कैदी चाय वाला कहाँ से आइडिया आया है आपको? ये कैदी चाय वाला रात के समय में, सोते समय में। अच्छा। एक नाम अलग सा आ गया, क्योंकि मैंने अब तक अपने लाइफ में देखा है कि कोई ग्रेजुएट चाय वाला, MBA चाय वाला, मतलब अच्छे अच्छे चीजों पे नाम रखते हैं। आपने एक अलग यूनिक सा नाम रखा, मतलब मैं जब इसका नाम सुना ना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो ये नाम, अच्छा एक और चीज बताइए, ये दुकान, इसका और कोई ब्रांच है क्या अलग? अभी तो फिलहाल यही ब्रांच है। अच्छा। इसके बाद दूसरा अपने सामने होने वाला है, जीडी मदर के पास। अच्छा, जीडी मदर स्कूल। हाँ, वो बहुत जल्द ही ओपन होने वाला है। चलिए, तो मतलब इसको अभी माइंड में ये चल रहा है कि इसको और भी आगे बढ़ाना है। और भी आगे, पटना में भी बात चल रहा है। अच्छा, हो सकता है अगले महीना पटना ऑन हो जाए। कैसा लग रहा है आपको, मतलब ये आइडिया चालू करके कैसा लग रहा है? आइडिया बहुत अच्छा। आपको कैसा लग रहा है? आप? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने चाय भी टेस्ट किया, कॉफी फ्लेवर काफी अच्छा लगा। मैंने लोगों से बात भी किया है, सारे लोग पॉजिटिव रिप्लाई दिए हैं। तो काफी यूनिक आइडिया है ना, बिल्कुल, मतलब आप आते हैं एक पुलिस की तरह, एक कैदी की तरह चाय पी रहे हैं, तो एक अलग सा यूनिक सा आइडिया लगता है। तो अच्छा, एक चीज बताइए, ये लोकेशन कहाँ पे पड़ता है? ये 18 घाट रोड नियर कृष्णा होंडा के मार्केट के अंदर। कृष्णा होंडा के मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आने में थोड़ा सा मुझे परेशानी हुई है, तो इसलिए मैंने लोकेशन पूछ लिया। कुछ कहना चाहते हैं जो यहाँ पे आना चाहते हैं? एक बार मौका दे और आकर देखें यहाँ पर। आपको रफली यहाँ पे अभी 28 फ्लेवर है, और टेस्ट ले, बताया कि कैदी चाय वाले का चाय कैसा है। चलिए, शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे कि टोटल 28 फ्लेवर है, और भी फ्लेवर बढ़ेंगे, और इनका कहना है कि इनकी फ्रेंचाइज और भी आगे बढ़ेंगे। पटना में खुलने वाला है, मुजफ्फरपुर में और भी जगह खुलने वाला है। तो ये कुछ हमारे कैदी चाय वाले से बात हुआ, उन्होंने बताया है, और काफ़ी अच्छा है पूरा इंटीरियर पार्ट, आउटीरियर पार्ट काफ़ी अच्छा। लगी है तो लाइक ठोके, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बहुत मेहनत चल रही है, और फाइनली आप लोगों के सहयोग से 1K होने वाला है। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब ठोक दीजिए प्लीज, भाई का चैनल है। तो ऐसे मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।